सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी कैसे 9 बज रही है 7 और फाइनली जाके मैं उठ चुका हूँ और सभी को हैप्पी नवरात्र मेरे दिल से। आज है गाइस नवरात्र का पहला व्रत जो कि मैंने भाई रखना है व्रत। मैं ना सोच रहा था कि कुछ खाऊंगा बर्गर पीस का, बट मैंने आज व्रत रखना भी अभी मेरे को याद आया। और अभी हमने जाना है मिट्टी मुट्टी लेने, तो आज साग किसने लगानी है? मैंने और पापा जी ने लगानी, मम्मा जी ने पता नहीं क्यों नहीं लगाया। तू भी चलना। हाँ तो हम मिट्टी लेने जाएंगे, तो फिलहाल मैं चलता हूँ नहाकर, आपसे मिलता हूँ। ओके, फोन भी चार्ज करना है, 25% बैटरी है। सो गाइस मैं फाइनली नहा के रेडी हो चुका हूँ। भाई मेरे को ठंड पता नहीं क्यों लग रही है, आई डोंट नो। बाकी फिलहाल अभी हमने लगानी है साग, बाद में। फिलहाल चल पड़े हैं हम पत्ते लेने और साथ में थोड़ी सी मिट्टी लेने। और अभी टाइम हो रहा है 8:21, तो 7 बजे उठे थे और बाकी नहाया नहीं हुआ। टाइम तो लग ही जाता है भाई, चाहे बंदा जितनी भी जल्दी उठे। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई। गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पे है रेत, यहाँ पे है उसके सीड्स जो बीच में डालने हैं, बाकी चुन्नी उन्नी आगे सामान तो कल ही ला दिया ना। कह रहे कि मुहूर्त है, हमें पता नहीं था। कह रहे 7 से 8 बजे तक था, अब होगा 10 से 11, 10 से शुरू होगा मुहूर्त। अभी टाइम हो रहा है 9। तो गाइस फिलहाल मैं गया था बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। गाइस फिलहाल मैं गया था बादाम लेने और अभी टाइम हो रहा है 9:30 कंप्लीट होने वाले हैं। बस फिलहाल लगा रही इसको फैम। फिलहाल किसके घर पे जा रहा हूँ मिट्टी देख ढूंढने। और फिलहाल यार पता नहीं क्या आंख से ना पानी टाइप का निकल रहा है यार। शर्म आ रही है मुझे किसके घर पे जाने की, पता नहीं क्या चक्कर है। मन नहीं कर रहा जाने का, बट चलते हैं भैया चलते हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पार्क में, उधर से हमने जाना है बर्मी की मिट्टी लेने। और कहते हैं कि बर्मी की मिट्टी के अंदर सांप ही सांप होते हैं, दैट्स रियल थिंग। वो देखो नहीं बिलीव करते इन चीज़ में। लेट्स गो फैम। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सा। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धूल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ बच्चे दिखे हमें, बच्चों हेलो कर दो। थोड़ा बहुत से गाइस हम मजाक भी करते हैं, उसमें कोई चक्कर नहीं है। हम सारे बच्चों से हेलो कराता हूँ। ठीक हो गया ये? हाँ ठीक हो गया। ओ भाई एक मज़ेदार चीज़ है ये। सो अगर आपके भी तक झूला है तो आप भी ले सकते हो, उसमें कोई चक्कर नहीं। भाई सुबह का खाली पेट हूँ भाई, क्या बताऊँ आपको। बाकी फिलहाल मैंने भर ली है मिट्टी और 11 बजे हमने लगा देनी मैंने साग को। तो बस सीधे चलते घर पे और घर जाके फ्रूट देखते तो खाएंगे, वरना बैठ जाएंगे। गाइस ये है रेत का दलदल जिसके अंदर मैं डाल दूंगा मिट्टी, फिर उसको कर दूंगा अपने हाथों से मिक्स। पहले हाथ धोते भाई बस। घर आज में मैंने गोरिल्ला पाउडर लगाना पड़ेगा, वो चिक्कर हिंद हम तो हाथ धो लेते हैं। गोरिल्ला पॉट गोरिल्ला पापा पाउडर कहाँ पे है तू? मेरा यार क्या बताऊँ आपको, ऐसे खड़ा करते हैं। गाइस फिलहाल मैं पूरी साग लगा के आपसे मिलता हूँ, ओके, क्योंकि भाई लगाने तो भाई अभी चुन्नी लगा रही है। अगर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हमने सुख साख लगा दिया मम्मा और मैंने, और मैंने क्या किया एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट आपको मैं दिखाता हूँ, बाहर चलते हैं ना। मैंने खुद लगाई साख, मिट्टी मिट्टी बीच बीच देखते कि किसके ज़्यादा उठती है। मम्मा के मेरी पानी इसको डेली भाई साहब
चलो देखते हैं कि ग्रोथ होती है इसकी भी या नहीं। बाकी ये इधर ही रहेगी, इसको नहीं हमने बाय बाय करना है। इधर ही रहा, लंबा कर दूंगा मैं इसको इतना बोला। फिर फिलहाल मैं जा रहा दुकान पे, मरा हुआ यार चीज़ कितना बड़ा है यार, पक्का किसने गाड़ी के नीचे लाया। ओह माय गॉड, रेस्ट इन पीस, भगवान उसके आत्मा को शांति दे बेचारा यार। यार दुख होता है यार, पक्का किसने गाड़ी के नीचे लाया। अभी भी देखो कोई बुलेट लेके आ रहा है, पक्का नीचे लाएगा। बहुत रियलिटी थिंग बताऊँ, जिनने भी कुत्ते हैं ना सारे भाग गया, सिर्फ ये अपनी माँ के साथ लेटा हुए, सारे गायब है जहाँ पर थी ना उनकी जगह, भाई सारे खलास भाग हुए हैं भाई सारे। इधर कोई एक कुत्ते का नामो निशान नहीं है। अब मैं आपको भाई बता नहीं सकता, ये कुत्ते ना बड़े गंदे होते हैं, जो पाले बाद में फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं। इस बच्चा ये मेरे को अच्छा लगा, देखो अभी वो छोटे छोटे कुत्ते वो भी जा रही है। बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ डाल दी किसने, पता क्यों डाल दिया, गाय पिएगी ना पानी उसको ठंड पड़ेगी। वो दूध के पैकेट ले लिए मोल के, भाई पहले उधर हमारी दुकान के पास है ना वो यार डुप्लीकेट दूध है, मेरे को सामने चल जाता पता लिखा कूल दूध, भाई अमूल का टेक्सचर बट घोड़ा भाई। हेलो कर दो गाइस को, तो भाई इन चीज़ों से बच के रहा करो। मैंगो बाइट टॉफी होती है जो, उसको आ गया है टैंगो बाइट। वाह यार वाह, ये होती है कंपनी क्या करती है, फ्रॉड करती है, लोग ले लेते हैं। ये ज़्यादातर ना गांव में होती है ऐसी चीज़ें। हमारे नानी घर में भी पल्स टॉफी होती है ना, पल्स टॉफी हमारे इधर होती है ना उधर होती है वो टैंग ऊपर टेल्स टॉफी, भाई अपने ही नाम क्या बताऊँ आपको। हाल एक दूध का पैकेट बनाना है, बीच में थोड़ा पानी भी मिला दिए, चलो बनाते हैं। फाइनली चाय रेडी हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी खाने हैं पोटैटो, पोटैटो जी हाँ गाइस, क्योंकि मैंने व्रत रखा तो पोटैटो एनर्जी के लिए, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जो पतला पेट है ना ये ऐसे हो जाएगा। फिलहाल अभी मैंने खाने हैं पोटैटो, तो लेट्स ईट। हेलो कर दो गाइस को, गाइस मैं अपने पता तो लगता हूँ अभी भी ये गर्म ही है। मैं ये गर्म क्यों है। फिलहाल मैं दोबारा से गया था चिप्स लेने और अमूल दूध लेने। अमूल दूध ना उधर हमारा, मैंने आपको कितनी बार बताया हमारी दुकान के बाहर ना उधर डुप्लीकेट अमूल दूध बिक रहा है जी हाँ गाइस, तो ही ना ये चक्कर है दिया, इसलिए वी कैन नॉट बाय। 4:30 हो रहे हैं, फिलहाल मैं दोबारा से मस्त अपने कुछ नहीं खा सकता भाई, ये खा के पेट गुजारा करना पड़ेगा गाइस, इसको ही खा के टाइम बिताना पड़ेगा, पेट गुजारना नहीं पेट भरना पड़ेगा गाइस। अभी फिलहाल हम गए थे पार्क, भाई साहब उसी पार्क में गए थे जहाँ पे झूले थे ना इतने, जहाँ पे चोर होते हैं, मेरी सांस चढ़ गई। फिलहाल रात को 10:30 बज रहा है, अभी मैंने पकोड़े खाए और माता जी को जाएगी, तो बस फिलहाल अभी हमने सोना है, तो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़।